हेलो एवरीवन। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये रिलेटेड है आपका ट्रांस लोकेशन से। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो आपका ट्रांस लोकेशन से रिलेटेड है। तो ट्रांस लोकेशन क्या होता है वो अभी आपको देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये देख लें कि ये जो प्लांट है उसको उसे खाना बनाने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो इसने क्या किया, खाना बना लिया अपना सनलाइट से और उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में स्टोर कर दिया ताकि फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, ठंड में सपोज दैट विंटर्स में इनको क्या हो रहा है, सनलाइट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, खाना नहीं बना पा रहे हैं। तो जो इन्होंने सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाया हुआ था उसको जो इन्होंने बॉडी के लोअर पार्ट्स में या अपर पार्ट्स में जो स्टोर कर दिया था वही वो क्या करेंगे, दोबारा यूटिलाइज करेंगे। जैसे वो सपोज दैट उन्होंने यहाँ स्टोर कर दिया खाना जो बनाया हुआ था। ठीक है, तो इसको अब इनको क्या है, रिक्वायरमेंट है खाने की, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ताकि कोई पार्ट इनका ग्रो हो रहा है, सपोज दैट ये पार्ट ग्रो हो रहा है तो ये खाना वहाँ पे जा करके एनर्जी देगा और ग्रो हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें करने के लिए प्लांट ने जो है वो खाना बनाया और बॉडी में स्टोर कर दिया रेस्ट ऑल द पार्ट में। ठीक है, तो अब जो ये स्टोरेज था वो जहाँ पे प्लांट को रिक्वायरमेंट है वहाँ पे जा रहा है और उसको यूटिलाइज करा रहा है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांस लोकेशन। ठीक, CATION, इसको ट्रांस लोकेशन कहा जाता है कि जो फूड स्टोर था वो बाद में प्लांट यूटिलाइज कर रहा है। प्लांट यूटिलाइज कर रहा है, किस लिए यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो जो स्टोरेज था वो यूटिलाइज कर रहा है। तो जो यूटिलाइजेशन की प्रोसेस होती है कि ट्रांसफ़र हो रहा है फूड, उसी को तो ट्रांसलोकेशन कहा जाता है ना। अब ये ट्रांसलोकेशन होता कैसे है, देखें, इन सब मूवमेंट कराने के लिए प्लांट में क्या होता है, एक सिस्टम होता है जो दो चीज़ से मिलकर के बना होता है। एक वो सिस्टम जिसको कहा जाता है जाइलम, सिस्टम का पार्ट है। दूसरा सिस्टम का पार्ट क्या है, फ्लोएम, PHLOEM। तो दो चीज़ें मिलकर के प्लांट में मूवमेंट कराती हैं। खाने का मूवमेंट हो गया और किस चीज़ का मूवमेंट, मिनरल्स हो गया, आयंस हो गया, वाटर मॉलिक्यूल, सारे चीज़ों का। तो दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है दोनों चीज़ों को मिला करके। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या कह रही हूँ, ये जो जाइलम था जो ट्रांसपोर्ट करा रहा था, तो जाइलम तो वाटर का ट्रांसपोर्ट करा रहा था, ओके। और जो ये फ्लोएम जी हैं ये किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। तो जब फूड का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रांस लोकेशन। क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब एक चीज़ ये मुझे बता दें कि जो जो जाइलम फ्लोएम जो होते हैं ऐसे साइड साइड में, ठीक है, तो मैंने कहा कि जाइलम जो है वो पानी का ट्रांसपोर्ट करा रहा है और जो ये फ्लोएम जो है, ये फ्लोएम जी जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करा रहा है। ठीक है, और जो बॉडी प्लांट की जो बॉडी होती है उसमें अरेंजमेंट कैसे होता है, जैसे ये फ्लोएम है साथ साथ में जाइलम भी लगा होता है। ठीक है, ये पूरी बॉडी में इसी पूरे प्लांट की बॉडी में इसी तरीके से अरेंज होते हैं कि जाइलम है, जाइलम फ्लोएम साथ साथ में पूरी बॉडी में लगे हुए हैं टॉप टू बॉटम से। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि ये दोनों जब साथ साथ में लगे हुए हैं, क्या हो रहा है यार, राइट नहीं हो रहा, एक सेकेंड। ठीक है, दोनों लोग साथ साथ में ऐसे अरेंज हैं, ये हो गया आपका जाइलम। अगर मैं कह दूं यहाँ पे जाइलम तो कोई इशू की बात नहीं है, ओके। और मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये फ्लोएम है तो कोई इशू की बात नहीं है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे कराएगा। सपोज दैट फ्लोएम के पास जो है वो सेल्स ऐसे अरेंज्ड हैं, सारी सेल्स बॉडी सारी सारी चीज़ें इकट्ठे अरेंज होती हैं ना। तो यहाँ पे जो स्टोरेज हुआ था फूड का, जो स्टोर हमने कराया था यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में, तो ये जो स्टोरेज यहाँ पे फूड का हुआ था, यहाँ पे पूरा शुगर स्टार्च स्टोर्ड है। अब क्या कह रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है ये प्लांट का ग्रोइंग पोर्शन है, इस पोर्शन में क्या करना है, शुगर को पहुँचाना है। तो शुगर ऐसे उड़ के तो नहीं आएगा ना, क्या करेगा ये, शुगर इधर ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक, उसके बाद फ्लोएम जी जो है वो नीचे ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके बाद ये अनलोड करेंगे, यहाँ पे जाएगा सारा सामान, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे शुगर आ जाएगा। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होता है। तो अब क्या हुआ कि सपोज दैट यहाँ पे जो फ्लोएम बना हुआ था, ठीक है, अब फ्लोएम के बगल में जो सेल्स बनी हुई थी जहाँ पे स्टोरेज हमने पहले ही करा दिया था
शुगर का, तो वो क्या कर रही है, शुगर यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस सेल को चाहिए ये शुगर ताकि वो ग्रोथ कर सके, तो ये क्या करेगा, इधर ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, शुगर अपना यहाँ पे देगा, तो एक अमाउंट हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना, यहाँ पे शुगर ज़्यादा है, फ्लोएम के पास तो शुगर ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि अगर उसके पास होता तो वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे देता ना, ऐसे ही फ्लोएम न्यू सेल्स को या जिस भी प्लांट को चाहिए शुगर ताकि वो ग्रोथ कर सके वहाँ ऑटोमेटिकली दे देता। लेकिन जब ये शुगर यहाँ पे इतना अमाउंट में नहीं था, तो ये जो शुगर यहाँ इस वाली सेल में था, इस वाली सेल में इसने जब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया तो इक्वल हो गया, ठीक। अब इक्वल के बाद कुछ टाइम के बाद यहाँ पे शुगर की जो है ज़रूरत ज़्यादा होगी, तभी तो मूवमेंट हो पाएगा। इक्वल जब चीज़ें हो जाती हैं तो मूवमेंट स्टॉप हो जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब इक्वल अमाउंट हो जाएगा तो यहाँ बैलेंस हो जाता है, मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। तो हमें बैलेंस तो नहीं कराना है ना, हमने तो इसको यहाँ पे इस वाले सेल के पास लेके आना है, ठीक है, नीचे वाले सेल के पास लेके आना है। तो जब और ज़्यादा यहाँ पे जब शुगर यहाँ से यहाँ आ गया था, तो इक्वल जब हो गया था और यहाँ पे और हमें चाहिए ताकि हम मूवमेंट करा सकें, तो अब क्या होगा, इस सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपना शुगर यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पे शुगर कम हो गया है। तो यहाँ से जब मूवमेंट फ्लोएम के पास होगी शुगर की, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट जिस ट्रांसपोर्ट में होती है उसी को कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्लियर। जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब देखें क्या हुआ, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट हुई ना, जब फ्लोएम को यहाँ पे जो फ्लोएम था और बगल वाली सेल ने जब इसको अपना शुगर जो है वो दिया था, यहाँ से यहाँ जा रहा था, तो यहाँ पे जो वाटर का कंसंट्रेशन था, ये सेल्स कैसे पार्ट होते हैं, यहाँ पे जो वाटर का कंसंट्रेशन था, ठीक है, वो ज़्यादा हो गया। तो जब यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर में ये वाली जो बगल वाली सेल थी जिसने अपना शुगर दिया हुआ था ताकि यहाँ नीचे वाली सेल के पास शुगर आ जाए, क्योंकि इसे ग्रो होना है और डेवलप होना है, इसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो जो बॉडी में स्टोर्ड था वही तो मूव होता है, उसी को तो ट्रांसलोकेशन कहा जाता है ना फ्लोएम के हेल्प से। तो जब इस सेल ने अपना शुगर यहाँ पर दे दिया, इसको बराबर हो गया, बराबर में मूवमेंट कम स्टॉप हो जाता है, तो यहाँ से इसको और शुगर की रिक्वायरमेंट है, तो ये एनर्जी दे, एनर्जी लगा करके तब यहाँ पे अपना शुगर देगा। तो जब यहाँ पे शुगर इसने ढेर सारा दे दिया तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है। और नेचर जो होती है कहीं पे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, बैलेंस चीज़ें होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जो जाइलम लगा हुआ था वो अपना वाटर जो है ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पे मूव करने लगता है, जिससे कंसंट्रेशन लेवल बैलेंस हो जाए, ठीक है। शुगर का सोल्यूशन ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है। कंसंट्रेशन जब यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो ये जो बगल वाली सेल जाइलम फ्लोएम एक साथ लगी होती है ना, तो जाइलम अपना वाटर जो है उसके अंदर जो वाटर का मूवमेंट था वो यहाँ पे मूव करने लगता है वाटर, जिसकी वजह से ये फूलने लगती है सेल, ठीक है। इतना वाटर इसने मूव करा दिया कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए, ये कि ये स्वेल हो गई, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है, क्योंकि प्रेशर पड़ने लगा ना सेल्स के चारों तरफ। ये नॉर्मल था, यहाँ पे पानी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बगल से हम और इसको देने लगे तो ये स्वेल होने लगेगी। स्वेल जब हुई तो ये इसने प्रेशर एक क्रिएट कर दिया, प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर हाई है, ऑब्वियस सी बात है हायर से लोअर प्रेशर की तरफ चीज़ें मूव होने लगेंगी, ठीक। अब अगर ऊपर ऊपरी पार्ट को फूड की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो जो है यहाँ से मूवमेंट ऊपर होने लगेगी, अगर नीचे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो जो ये हमने लिया हुआ था शुगर वो नीचे मूव होने लगेगा, ठीक है। अब जब नीचे मूव होने लगेगा यहाँ पे आ गया, यहाँ से क्या होगा फिर हायर से लोअर की तरफ मूव होगा और ये जो शुगर सोल्यूशन था वो फाइनली यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँच गया तो कंसंट्रेशन भी तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जाइलम ने अपना पानी यहाँ पे दिया था जिसकी वजह से यहाँ कंसंट्रेशन बैलेंस हो गया था, डाइल्यूट हुआ। तो यहाँ पे ये जब इसने अपना शुगर दे दिया तो जो वाटर एक्सेस था वो वापस चला जाएगा जाइलम के पास, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो मूवमेंट होता है, इसी वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसलोकेशन में, ठीक है।
अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा होगा तो फिर से आप दोबारा पूछ लीजिएगा। ओके।